अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? यकीन ठीक ठाक होंगे। जी आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, आज लुबना बनी हुई है मुंशी, क्योंकि कुछ चीजें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी हमने। जरूरी होते हैं, जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा हम पे ट्रस्ट करके हमें कुछ सेंड करता है तो हमारा भी राइट बनता है कि उनका जो पैसा, जो चाहे उन्होंने एक रुपया भी हमें क्यों नहीं भेजा, हम उसको भी सही लोगों तक पहुंचाएं, और ताकि उसका स्वाब उनको भी पहुंचे और हमें भी पहुंचे। तो इस वजह से हम लोग साथ साथ नाम भी लिखते जाते हैं, और जो जो जितने जितने पैसे भिजवाते हैं उनका भी साथ साथ लिखते जाते हैं, ताकि हमसे पैसे आगे पीछे ना हो जाए और कहीं हमसे अपने घर में अपनी जात पे खर्च ना हो। जी बिल्कुल, आपको पता है कि अभी हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी इज्तिमाई इफ्तारी के हवाले से, तो काफी हमारे भाई हैं जिन्होंने इज्तिमाई इफ्तारी के लिए हदिया भेजा था, तो हमने सोचा आप लोगों को बताएं कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने। आई थिंक मैं इसको बंद कर दूं। काफी जो है ना शोर उसका आ रहा है पीछे, प्रेशर का वेट चलना शुरू हो गया। अच्छा, उनमें से जो नाम है, सबसे पहला जो नाम था ना, वो हाफिज अबू बकर का था, उन्होंने 500 दिया था हमें, और उसके बाद सुंदर इकबाल है, उन्होंने 100 दिया है, आसमा बानो उन्होंने भी 100 दिया है, मोहम्मद जहीर अब्बास है उन्होंने 500 दिया है, और हर्ष किचन चैनल, ये हमारे कस्टमर भी हैं जी हर्ष किचन चैनल। हाँ जी, यूट्यूब चैनल हमसे मोनेटाइज कराया था, तो इन्होंने भी माशाल्लाह से 300 रुपया दिया भेजा है। मुख्तार लतीफ है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, और उमर के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन है, तो उन्होंने लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था इस सिलसिले में। जी बिल्कुल, मुख्तार लतीफ भाई जो है ना, इन्होंने लास्ट टाइम भी राशन के हवाले से भी माशाल्लाह से काफी हेल्प की थी, और इफ्तारी के हवाले से भी जो है हेल्प की थी, तो इस दफा जो है ना इन्होंने इफ्तारी के लिए दोबारा से 1000 भेजा, तो इनका भी जो है ना बहुत शुक्रिया, इन्होंने हदिया भेजा। इसके अलावा राणा आकिब भी हैं लाहौर से, इन्होंने 500 भेजा। जी राणा आकिब जो है ना, ये माशाल्लाह से चार का कारोबार है इनका लाहौर में, और इन्होंने हमारे लिए चार जो है ना गिफ्ट भी भेजा था। जी लेकिन तब हम लोग शिपिंग के चक्रों में थे, तो हम लोग इस पे वीडियो भी नहीं बना पाए, और आप लोगों के साथ इसका थोड़ा सा वो शेयर भी नहीं कर पाए एक्सपीरियंस हमारा चार के हवाले से कैसा था, लेकिन माशाल्लाह से बहुत मजे का चार था, और थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, इन लोगों ने जो है ना अभी तक जो है ना वो भेजे हैं इज्तिमाई इफ्तारी के पैसे, और टोटल कुल मिला के ना ये 3000 रुपए बनता है, यानी कि 3000 हमारे पास इज्तिमाई इफ्तारी का माशाल्लाह से इकट्ठा हो गया। अभी हमने वीडियो नहीं बनाई थी, सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाई थी। जी बिल्कुल, और मैं आप लोगों के साथ यही बात शेयर करना चाहती हूँ कि अल्लाह की राह में दिया गया एक रुपया भी जो है वो कभी भी आप लोगों का जाया नहीं जाता। और देखिए, मतलब मुझे दिली दुख होता है जब मैं न्यूज़ वगैरह देखती हूँ। अभी लास्ट टाइम मैंने एक दो दिन पहले की न्यूज़ है शायद, तो उसमें कराची का शायद वाकया है ये कि ज़कात की तकसीम में 12 लोग जो हैं वो जानबाहक हो गए हैं, तो ये कैसा, मतलब क्या तकसीम है और क्या चीज़ है जो हम मुसलमान दूसरे मुसलमानों को दे रहे हैं। मतलब अगर हम लोगों ने कुछ प्रोवाइड करना है तो हमें चाहिए कि उनके घर तक पहुँचाए, ना कि उनको गलियों में बाजारों में जलील करें। जो बंदा उधर से कुछ लेने गया होगा, अगर उसकी माँ मर गई है या बाप मर गया या भाई मर गया, तो वो तो सारा कुछ उसका खत्म हो चुका है ना। तो मतलब हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो है इज्जत के साथ उनको उनके घरों में जाके दें। हमें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जितनी महंगाई का दौर चल रहा है, अगर लास्ट टाइम हमारे दस्तरखान पे वो चीज़ें थी और इस साल भी वही चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल में तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि हम लोग आज भी वैसे ही खा रहे हैं जैसे पिछले साल खा रहे थे, क्योंकि अब और कल में बहुत ज़्यादा बल्कि ज़मीन आसमान का फर्क हो चुका है। तो इसलिए मैं आपसे दोबारा से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना भी हो सके आप लोग सपोर्ट करें, और थैंक यू उन लोगों का जो हम पे ट्रस्ट करते हैं। जी बिल्कुल, जो लोग हिस्सा डालना चाहते हैं इज्तिमाई इफ्तारी में वो हमें, किसी को कोई फोर्स नहीं करेंगे, ये आप लोगों ने जो भी करना है सवाब की नियत से करना है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करना है, ये हम लोगों ने कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं करना, और ना ही हम लोगों ने उन लोगों को दिखाना है, क्योंकि आपको पता है मोस्टली लोग जो होते हैं सफेदपोश होते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते। सफेदपोश वो लोग होते हैं जो रेडी लगाते हैं, सफेदपोश वो लोग होते हैं जो रिक्शा चलाते हैं। सफेदपोश हम लोग कहते हैं जी मांगने वालों को ना दें तो किसको दें, और मांगने वाले तो प्रोफेशनल होते हैं, आपको पता है उन्होंने तो मांगने उनका काम ही ये है, लेकिन ये जो बेचारे थोड़ा बहुत काम करते हैं, रेडी वगैरह लगाते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं, ये तो किसी से मांग भी नहीं सकते हैं। तो हमने उन लोगों की हेल्प करनी है, और ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। जी बिल्कुल, राशन के वाले से भी आप लोगों को बताना था कि भाई सदफ नवाज जो कतर से हैं 5000 रुपये भेजा था उन्होंने राशन के लिए, उसके अलावा अभी तक जो है किसी की तरह से राशन के जो है पैसे नहीं आए थे, इसलिए राशन की तकसीम जो है ना अभी हमने स्टार्ट नहीं की, और जैसे जो है ना वो राशन के पैसे आएंगे इंशाल्लाह राशन की तकसीम जो है वो भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे,
और हमने लास्ट में भी बताया था कि हदिया जो है ना वो एक फी आदमी 100 रुपये हमने रखा है अफतारी के हवाले से, एक आदमी की अफतारी का 100 रुपये रखा है। और ये वैसे भी मेरे ख्याल में हदीस है, उसका मफहूम ये है कि जो लोग किसी की अफतारी करवाते हैं ना, एक रोजेदार की जो बंदा अफतारी करवाएगा उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि रोजेदार का सवाब मिलेगा। और दूसरी एक हदीस ये भी है कि जिसने हलाल रिज़्क से या पानी से किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाया और अल्लाह के फरिश्ते रोजे के बाद में उन पर इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो शबे कदर में उनके लिए जो है वो इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में हुक्मुल्ली बात का मामला बहुत ज्यादा सख्त है, तो हम लोगों को ये हदीस भी याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने उस इंसान पे से नफरत का इजहार किया है जिसका पड़ोसी जो है उसने खुद पेट भर के खाना खाया और उसका जो पड़ोसी है वो भूखा सोया। तो मेरे ख्याल में अपने से ज्यादा दूसरे लोगों का ख्याल करना चाहिए। आप लोगों से दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करें, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको देखें, सर्च करें और उन तक जो है वो राशन पहुँचाएं ताकि वो अपना अपनी जो रमज़ान है अपनी सहरी और अफ्तारी आसानी कर सकें और आगे उनकी ईद के लिए भी उनके लाजमी सपोर्ट करें। और एक बार फिर कि आपका राशन आपका दिया गया 1 रुपया भी उन लोगों तक पहुंचेगा और इंशाल्लाह ताला इसका सवाब आप लोगों को भी पहुंचेगा और हमें भी पहुंचेगा। तो जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं राशन के हवाले से या इज्तिमाई इफ्तारी के हवाले से, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर रब्ता करें। जिंदगी नहीं तो दोबारा मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए।